नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर नवंबर में ही विंटर वेकेशन का ऐलान कर दिया है। जी हां, सभी स्कूलों में 9 नवंबर से 18 नवंबर तक विंटर ब्रेक यानी कि सर्दी की छुट्टियां घोषित की गई हैं। दरअसल स्कूलों में विंटर ब्रेक की छुट्टियाँ अनुमान दिसंबर जनवरी के महीने में घोषित की जाती हैं, लेकिन इस बार सरकार ने काफ़ी पहले सर्दी की छुट्टियाँ घोषित कर दी हैं। दिल्ली सरकार का ये फैसला बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे पहले वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने 3 नवंबर से 10 नवंबर तक स्कूलों में फिजिकल क्लासेस बंद करके ऑनलाइन क्लासेस पर शिफ्ट कर दिया था। दिल्ली सरकार ने यह कदम राजधानी में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए उठाया है, जिससे बच्चों को सेफ रखा जा सके। बता दें, दिल्ली में AQI 900 के पार हो चुका है, ये गंभीर श्रेणी में है। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए सरकार तत्काल उपाय अपना भी रही है, लेकिन कोई असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसी के चलते दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 नवंबर को दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आज सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई। वहीं टेक्निकल और ऑपरेशनल स्टाफ की एक टीम के नॉट प्लेस स्थित स्मोक टावर पहुंची। वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपाय के रूप में कैनॉट प्लेस में स्मोक टावर को अब चालू कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने 7 नवंबर को सरकार को स्मोक टावर की मरम्मत करने का निर्देश दिया था। वही बता दें, दिल्ली में 10 नवंबर तक हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 13 नवंबर तक सुबह धुंध छाया रह सकता है। साथ ही 10 नवंबर को मौसम दिशाओं में बदलाव के कारण कुछ एक जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।